Admissions are open at DAV Thermal for session 2020. Kindly make a visit to DAV Thermal and explore the avenues for your child in advance. We at DAV Thermal gives our students roots to grow and wings to fly. Wish you and your ward happy and prosperous academic year 2020. मंत्री जी, समर्थन प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है बीजेपी को? देखिए, जो ये कानून बना ना, ये बहुत ही अच्छा जो है वो हमारी सरकार ने बनाया, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग पीड़ित थे और बहुत लंबे टाइम से पीड़ित थे, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा था। हालांकि इसके समर्थन में स्वयं सरदार मनमोहन सिंह जी, जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने भी इसके पक्ष में कहा कि भी ये बढ़ना चाहिए। अशोक गहलोत जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं और पहले मुख्यमंत्री थे, जब पहले मुख्यमंत्री तब भी उन्होंने लेटर लिखा था सेंट्रल गवर्नमेंट को, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को, कि ऐसा कानून बढ़ना चाहिए। और जब आज ये कानून बनाया तो इसका विरोध करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो केवल स्वार्थ के कारण वो भी जानते हैं कि सही है, सब कुछ सही है, लेकिन देश में अव्यवस्था फैलाने के लिए कुछ पार्टियाँ इस प्रकार का व्यवहार कर रही, और उसके लिए ज़रूरी है कि लोगों को जानकारी दी जाए, क्योंकि जो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनको पूरी जानकारी है, लेकिन जिनको गुमराह कर रहे हैं वो लोग अनजान भी हो सकते हैं। तो उन लोगों को भी ये जानकारी मिले कि ये कानून के खिलाफ नहीं, क्योंकि ये नागरिकता देने का कानून है, किसी की छीनने का कानून नहीं है। तो उसको स्पष्ट करने का क्या मानते हैं, क्यों कर रहे हैं जो विपक्षी पार्टियां हैं, क्यों इसके खिलाफ जा रही हैं? देखिए, वो तो बहुत से मामले ऐसे हैं जिसमें के मामले में उन्होंने हमेशा इस प्रकार का विरोध किया, क्योंकि सरकार का विरोध करना ही उनका उद्देश्य है, और किसी भी गलत बात पे जो राष्ट्र के भी हित में नहीं है उन बातों पे विरोध करते हैं। सर, दिल्ली की आप किस नजर से देखते हैं गठबंधन? जो दुष्यंत चौटाला है, बताया जा रहा है कि 12 सीट मांग रहे हैं दिल्ली के। देखिए, तो पार्टी अब दिल्ली वाले ही बताएंगे इसके बारे में, तो क्या है क्या नहीं, मैं इसके बारे में क्या बयान दे सकूँ, क्योंकि आप दुष्यंत चौटाला को आपका मामला आप इसलिए मेरे से पूछ रहे हैं क्योंकि वो हरियाणा में भी हैं, लेकिन दिल्ली का मामला दिल्ली वाले देखेंगे, हमें इसकी बात जानकारी नहीं। सीआईडी को लेकर मुख्यमंत्री बीच में कश्मीर चल रही है, इसको क्या? नहीं, कुछ नहीं है, इस प्रकार की कोई बात नहीं है, और बैठ के सुलझा लिया गया। आप लोगों के बीच में जा रहे हैं सीईओ को लेकर, लोगों का क्या रुख है सीईओ को लेकर? नहीं नहीं, लोग बिल्कुल पक्ष में है, लेकिन अगर किसी को जानकारी नहीं है उसको जानकारी और मिलेगी, जब हम बात सामने रखेंगे तो उनकी वो क्लियर होगा उसके बारे में। शिक्षा मंत्री थे साथ में, बता रहे थे सीए क्यों पक्ष में है, इसके लेकर वो जन समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं। वैसे पानीपत के प्रति पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करिए आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट एलईडी केवल 12,990 रुपए में, साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में, साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम जीटी रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए।